हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सबसे जल्दी अपना असर दिखाती है, इसलिए आज हम आपको हनुमान जी का एक ऐसा खास मंत्र बताने जा रहे हैं जो आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, फिर परेशानी कितनी ही हो, भले ही बहुत धन से ही जुड़ी क्यों ना हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, कैसी भी परेशानी हो दोस्तों, इस हनुमान मंत्र के जाप से आप अपनी सभी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। परंतु शर्त ये है कि आपको इसे सिर्फ एक खास समय पर ही बोलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का यह खास मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु यदि इसे आप उस खास समय पर बोलेंगे तभी इसका पूरा का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा का अति शीघ्र फल मिलता है। भक्तों के दुख को जो इस कलयुग में बहुत जल्दी सुनते हैं वह भी हनुमान जी ही हैं, क्योंकि खुद भगवान श्री राम एवं माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी भक्त हनुमान जी का नाम सच्ची भक्ति से लेगा तो हनुमान जी तुरंत उसकी हर परेशानी से उसे मुक्ति दिलाएंगे और उसकी मनोकामना पूरी कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी को यह भी वरदान दिया था कि वे धरती पर अजर अमर रहेंगे। इसी कारण धरती में दिव्य रूप में हनुमान जी आज भी विद्यमान हैं और जब कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है या उनसे जुड़ा कोई भी उपाय करता है तो उसका फल बहुत जल्दी दिख जाता है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात उसके हर संकट को हरने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र को हम बताने जा रहे हैं, मंगलवार के दिन उसको जपना अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि मंगलवार का दिन बहुत ही मंगलकारी होता है। इसी दिन हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए थे। अब दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि यह मंत्र आपको बोलना किस समय है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो उचित समय है, यानी इस मंत्र को बोलने का जो उचित समय है, वह ब्रह्म मुहूर्त है। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त पर आपको इस मंत्र को बोलना है और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 4 बजे से 6 बजे तक का। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह समय मंत्र जाप को सिद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय पर धरती पर साक्षात अनेक देवीय शक्तियाँ विराजमान होती है, ऐसे में इस समय मंत्र जाप का असर तुरंत दिखाई देता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे इस मंत्र का जाप करना है और हनुमान जी का दिव्य मंत्र है क्या। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान यंत्र को धारण कर आपको इस दिव्य मंत्र को सिर्फ एक बार बोलना है। पंचमुखी हनुमान यंत्र पहनना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस मंत्र को जपने से जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी वह यह यंत्र सीधे सीधे आपके शरीर में समाहित करेगा। पहले तो हम आपको पंचमुखी हनुमान यंत्र के बारे में बता दें कि इसमें जो शक्ति मंत्र है उसे स्वयं भगवान श्री राम द्वारा निर्मित किया गया था। लंका में आक्रमण करने से पहले उन्होंने दिव्य मंत्र का निर्माण किया था और महामायावी शक्तियों के राजा रावण तथा उसकी विशाल सेना को भगवान श्री राम ने इसी शक्ति यंत्र के माध्यम से हराया था। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान यंत्र में हनुमान जी के 5 स्वरूप अंकित हैं। इन 5 रूप को हमारे पंडितों द्वारा यज्ञ के माध्यम से अभिमंत्रित किया गया है। जब आप पंचमुखी हनुमान यंत्र को अपने गले में धारण करते हैं तो हनुमान जी के वरामुख जो कि उत्तर दिशा में आपको सुरक्षा प्रदान करता है और आपके पास की सभी नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा आप पर बनाए रखता है, जिससे आपको आपके हर कार्यों में सफलता मिलती है, फिर वह नौकरी से जुड़ी संबंधित हो या फिर कोई भी परीक्षा हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी का नरसिंह प्रतीक आपको आने वाली हर बला जैसे अकाल, मृत्यु, किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति कई दिनों से परेशान चल रहा है और काफ़ी इलाज से भी वह सही नहीं हुआ तो पंचमुखी हनुमान यंत्र के प्रभाव से उसमें तुरंत सुधार दिखने को मिलता है। वहीं पश्चिम दिशा में हनुमान जी का गरुड़ रूपी प्रतीक आपको हर प्रकार की बुरी नज़र, काला जादू आदि भयंकर विपदाओं से बचाता है। पूरब दिशा में हनुमान जी स्वयं विद्यमान होकर आपकी रक्षा करते हैं। उनका यह प्रतीक आपके मुंह में तेज लेकर आता है तथा वाणी में
मिठास। आपकी बातों से हर कोई आकर्षित हो जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों को अपना प्यार प्राप्त करना है उनके लिए तो यह यंत्र रामबाण है। पंचमुखी हनुमान यंत्र धारण करने से आपको आपका प्यार प्राप्त होता है। यदि आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो वह भी दूर होती है। इसके साथ ही आकाश की ओर हयग्रीव रूप प्रतीक आपके लिए धन संपत्ति और समाज में मान सम्मान आपको दिलाता है। इस प्रतीक के प्रभाव से आपके लिए स्वतः ही धन योग बनने लगते हैं तथा पैसों से जुड़ी हर प्रकार की बाधा दूर होती है। इसके साथ ही समाज में हर जगह आपको मान सम्मान और इज्जत मिलती है। यह ग्रहों को आपके अनुकूल बनाए रखता है तथा ग्रह दोष से होने वाले नुकसान को रोक देता है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने गले में पंचमुखी हनुमान यंत्र धारण करेंगे तो आपको तुरंत इसके सुप्रभाव अपने आसपास देखने को मिल जाएगा। बस आपको मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस एक मंत्र को बोलते हुए पंचमुखी हनुमान यंत्र धारण करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। अब आप एक दीपक हनुमान जी के सम्मुख जला लें और इसके बाद हनुमान जी का नाम लेते हुए पंचमुखी हनुमान यंत्र अपने गले में धारण करें और अपने दोनों आँख बंद करके अपने मन में यह मंत्र एक बार बोल दें। मंत्र है दोस्तों, ओम मारुत आत्मजाय नमः। दोस्तों, मंत्र एक बार और सुने। मंत्र है ओम मारुत आत्मजाय नमः। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान यंत्र सक्रिय हो जाता है और आपके जीवन के सभी दुख उसी समय दूर हो जाएंगे। आपको हर जगह सफलता ही प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आप पंचमुखी हनुमान यंत्र खरीदना चाहते हैं तो आप 7290061494 पर कॉल करके इसे अपने घर मंगा सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय बजरंगबली।